तो हमें क्या एक्सप्रेशन निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बी का एक्सप्रेशन निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जैसे ये आपके सामने एक सर्कुलर लूप है, ये आपके सामने सर्कुलर लूप है, मतलब डिस्क नहीं है, मान लो एक रिंग है, इसमें करंट जा रहा है। ये लूप ऐसा नहीं है, प्लीज, ये लूप ऐसा है, बोर्ड के बाहर है, ये डायग्राम ऐसा है, तो बाहर निकाल लिया। इसके एक्सिस के ऊपर यहां पर आपको बी निकालना है, तो इसके एक्सिस पे आपको बी निकालना है, तो करंट यहां मूव कर रहा है और आपको इसके एक्सिस के ऊपर बी निकालना है। ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया यहां तक? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लूप की लंबाई बहुत ज्यादा है और हमें बायट सावर्ट लॉ आता है जो स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी देता है, बी तो आता ही नहीं है सीधा, तो हम इसके ऊपर स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीबी, तो डीबी सॉरी डीएल, उस डीएल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालेंगे डीबी, फिर सभी एलिमेंट का डीबी डीबी निकाल के इंटीग्रेट करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर वन, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पॉइंट का आंसर दें प्लीज, वो ये कि अगर मैं बायट सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछूं कि क्या वेक्टर फॉर्म है, तो सबको मालूम है कि डीबी वेक्टर हमने लास्ट टाइम किया था म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट आई इनटू डीएल वेक्टर क्रॉस क्या था आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या था आर क्यू, ऐसा ही कुछ था, राइट? यही था। अब क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के अंदर अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वेक्टर में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये दो वेक्टर, अगर ये आई क्या, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो पक्का किस एक्सिस के अलोंग होगा, जेड के अलोंग होगा। मतलब अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होगा। ऐसे ही किया था प्लस वन में। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो दो वेक्टर्स हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उनकी जो वैल्यू होगी, जो नया वेक्टर आएगा वो इनके साथ परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो एक बात तो क्लियर है कि अगर ये दो वेक्टर एक प्लेन में है, प्लेन समझते हो एक्स वाई प्लेन में है, तो जो आंसर नया वेक्टर आएगा ये आउट ऑफ प्लेन होगा, ये जेड एक्स जेड प्लेन में चला जाएगा। या उल्टा भी ट्रू है, अगर ये दो वेक्टर एक प्लेन में है, एक बोर्ड के ऊपर बनाए, तो ये वेक्टर आउट ऑफ प्लेन, देखो एक वेक्टर को तो आउट ऑफ प्लेन जाना ही जाना है, ये बात समझते हो? तो दो वेक्टर एक बोर्ड पे हो सकते हैं, तीसरा वहां नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तीसरे को तो बाहर होना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आती है सबको? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं जिसमें से एक वेक्टर मान लो डीएल वेक्टर है, मान लो ये डीएल वेक्टर बाहर की तरफ है, एक मान लो आर वेक्टर है, ये मान लो आर वेक्टर है, वो ऐसे है, तो ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मतलब यहां पर मुझे बी निकालना है, तो डीएल के साथ ये डिस्टेंस कितना है, आर है। जो बी वेक्टर होगा, ये एक प्लेन है, मान लो बी वेक्टर इस प्लेन में नहीं हो सकता, बी वेक्टर हमेशा इनके परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट यही तो है ना, अगर ये आई है, ये जे है, तो ये के में होगा, सिंपल पॉइंट समझ में आ रहा है तक? तो अगर ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो डीबी वेक्टर यहां पर होगा, डाउट इसमें? उल्टा बोल लो, अगर ये डीबी वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर है, तो आर वेक्टर कहीं इनके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे बोल लो, ये आर वेक्टर है, ये डीबी वेक्टर है, तो डीएल वेक्टर इनके परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में अलग अलग प्लेन्स में जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसको मैं यूज करूंगा कॉन्सेप्ट को, ध्यान से देखना। तो मेरा क्या क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सिस आर डिस्टेंस दूर आपको बी बताना है। इसको सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, तो सिर्फ रिजल्ट लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, रेफर बुकलेट। तो आप प्लीज एनसीईआरटी की बुकलेट ओपन करें अपनी, तो एनसीईआरटी की बुकलेट के अंदर
ओके, एनसीईआरटी की बुकलेट में पेज नंबर होना चाहिए 34। तो इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एनसीईआरटी डेरिवेशन इसमें गिवन है। तो जिसमें हमने ये कर लिया, ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, बाइट सर्वेट लॉ हमने कर लिया। तो एप्लीकेशन ऑफ बाइट सर्वेट लॉ में पहली एप्लीकेशन हमने कर ली टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, वो साइन फाइव वन साइन फाइव टू। तो क्योंकि हमने डेरिवेशन कर ली है अपनी हैंड रिटन शीट में पिछला जो हमने किया था, तो ये डेरिवेशन यहां से करने की जरूरत नहीं है। इस पर प्लीज लिख लें रेफर हैंड रिटन बुक फॉर प्रूफ। क्योंकि होगा क्या, अब कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं ये मेथड करूं, दो डेरिवेशन कैसे हो सकती हैं, उसमें अलग है इसमें अलग है, इसको प्लीज क्रॉस कर दें। हमने कर ली बस, वो मेथड सफिशिएंट है, ठीक है। तो नोट लिख लें इस पर, नहीं तो याद नहीं रहेगा, नहीं तो अननेसेसरी करने बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने सारा रिजल्ट कर लिया और अब हमने क्या करना है, हमने करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये मेरा डायग्राम है। इस डायग्राम में ये मान लो आपके पास क्या है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में करंट है और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। आपको स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इसके एक्सिस के ऊपर आपको बी की वैल्यू बतानी है, इस लूप की वजह से बी क्या लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करना पड़ेगा कि आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, जैसे ये आपकी एक लूप है और ये आपका एक्सिस है जिसके ऊपर आपको बी निकालना है, यहाँ पे बी निकालना है कोने में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्मॉल एलिमेंट लेना है। ये देखो, ये मैंने लिया इसका टॉप का स्मॉल एलिमेंट डीएल, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो डीएल वेक्टर भी बोर्ड के बाहर है। तो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डीएल वेक्टर लिया वो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट लिया, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, आपकी तरफ है, बोर्ड के बाहर है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बी कहाँ पे निकालना है, एक्सिस पे, यहां निकालना है। इमेजिन करो डीएल वेक्टर ये रहा, ये पेन डीएल वेक्टर है। आर वेक्टर क्या होगा, इस डीएल वेक्टर से जहां पर आपको बी निकालना है उस लाइन को आर वेक्टर बोलते हैं। तो ये आपका डीएल वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये आपका डीएल वेक्टर है और ये आपका अगर आर वेक्टर है, तो अब इस केस में आपको बी यहां पे निकालना है कोने पे। आप बस मुझे ये बताओ कि डीएल और आर वेक्टर में एंगल क्या दिख रहा है आपको, 90। कैसे 90, मैंने क्या बताया, ये पेन इधर जा रहा है और ये पेन तो बिल्कुल बोर्ड के बाहर ही आ रहा है। अब सोचो, ये आर वेक्टर है और ये डीएल वेक्टर है, तो डीएल वेक्टर तो बोर्ड के बाहर ही आ गया और आर वेक्टर बोर्ड के ऊपर है, तो बोर्ड के ऊपर का प्लेन और बाहर का वेक्टर हर वक्त एंगल क्या बनाएगा, 90। तो ये बात समझ में आती है कि अगर ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मतलब होता है कि डीएल वेक्टर से कितनी दूरी पे वो पॉइंट है। तो ये अगर आर वेक्टर है, ये अगर आर वेक्टर है, ये अगर आपके पास डीएल वेक्टर है, मैं यहां बना रहा हूं वैसे, चलो यहां बना लेते हैं। तो ये आपके पास अगर डीएल वेक्टर है जो कि बोर्ड के बाहर है, तो इनके बीच में एंगल क्या बनने वाला है, 90। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स याद हो, हमने एक चार्ज रिंग की वजह से ई निकाला था। क्या निकालने का तरीका था, हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर दो एलिमेंट लेते थे हमेशा, डीएल और डीएल, एक नहीं लेते, सेम है इसमें भी, इसके अंदर भी दो एलिमेंट्स लेंगे, एक ऊपर और एक डायमेट्रिकली नीचे। तो ये यहां पे डीबी लगाएगा, ये एलिमेंट यहां पे कहीं डीबी लगाएगा। तो डीबी की वैल्यू क्या होगी बाइट सर्वेट लॉ से, म्यू नॉट बाय 4πi डीएल, ये लेंथ क्या है डीएल, साइन ऑफ 90, क्योंकि आर वेक्टर और डीएल में एंगल क्या बताया, 90, बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई बाइट सर्वेट लॉ से, तो डीबी का फॉर्मूला क्लियर है, म्यूनोट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो ये डीबी आ गया, तो अब ये डीबी आ गया, मेन बात है डीबी की डायरेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है, डीबी की वैल्यू क्लियर है,
आपने यहाँ की वजह से यहाँ डीबी निकाला, दूरी तो ये लेंगे ना, पाइथागोरस से दूरी आएगी, तो ये देखो आर स्क्वायर, ठीक डीबी आ गया। अब डीबी की डायरेक्शन को देखते हैं, डीबी की डायरेक्शन देखो कैसे निकलेगी। डीबी की डायरेक्शन के लिए हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया कि सपोज करो एक मिनट के लिए कि ये आपका डीएल वेक्टर है, तो मैं पेन को बाहर निकाल रहा हूँ, ये डीएल वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है, तो ये रहा आपका आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, आर वेक्टर ऐसे टेढ़ा जा रहा है, डीएल वेक्टर बाहर है, एंगल इनके बीच में 90, तो डीबी वेक्टर क्या होगा, डीबी वेक्टर इनके साथ एंगल क्या बनाएगा 90, तीनों 90 बनाएंगे ना। तो सोचो अगर ये डीएल वेक्टर है, अगर ये डीएल वेक्टर है, अगर ये आर वेक्टर है, तो ये क्या है डीबी वेक्टर है, राइट। हमने डीबी निकालना कहां पर है, यहां पे, तो इस वेक्टर को उठा के यहां रख दो, 90 डिग्री पे रखना है ना, यहां थोड़ा निकालना है, तो इस एग्जांपल दे रहा हूं कि आपस में 90 डिग्री पे है, निकलेगा तो यहां पे डीएल में जो करंट जा रहा है उसकी वजह से डीबी यहां निकलेगा, तो इसकी डायरेक्शन डीबी की कहां होगी, यहां होगी, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, बनानी 90 डिग्री पे है, इन दोनों पेन के साथ ये पेन क्या बनाएगा एंगल 90 डिग्री। ये देखो डीएल बोर्ड के बाहर है, आर वेक्टर ये रहा और डीबी वेक्टर ये रहा, तो इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि जब आप इसमें एंगल लेंगे, ये आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, और ये आपका डीबी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल क्या बनने वाला है 90, राइट, क्योंकि डीएल और आर में तो ऑलरेडी एंगल 90 है, आर और डीबी में भी एंगल 90 ही बनेगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर देखते हैं, अगर मैं एलिमेंट चेंज करूं, मेरा एलिमेंट अब नीचे का एलिमेंट है, तो ये मेरा आर वेक्टर है, तो अगर ये मेरा आर वेक्टर है, तो डीबी वेक्टर का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा, इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी क्या बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये एलिमेंट ने डीबी यहां लगाया, यहां लगाया इस आर वेक्टर के साथ कितना 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, और ये डीबी वेक्टर ने एंगल इसके साथ क्या बनाया 90, तो ये डायग्राम क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट है जब ये डायग्राम बनेगा, ये बहुत जरूरी है, स्केल के साथ ये एंगल 90 ही बनाना, इसमें और इसमें 90 ही बनाना, तो गड़बड़ हो जाएगी, और ऐसे इसमें और इसमें एंगल क्या बनाना 90 ही बनाना। अब इमेजिन करो ये एंगल थीटा, तो बायसिमेट्री एंगल भी थीटा है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आसान था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में 3D नहीं था, 2D होता था, हम बोलते थे अगर ये थीटा तो वर्टिकली ऑपोजिट थी, अभी थीटा इसमें नहीं है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मुझे पता लग रहा है कि ये लाइन और ये लाइन में एंगल क्या है 90, तो अगर इसमें और इसमें एंगल कितना है 90, तो ये अगर थीटा तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, कोई डाउट इसमें, थीटा तो 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से अगर ये थीटा सेम, ये लाइन और ये लाइन में एंगल अगर 90 है, तो अगर ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, तो इसके अंदर ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये अगर वैल्यू जैसे मैंने बोला कि थीटा है ना, ये 90 है, तो अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो इसमें और इसमें एंगल क्या है 90 है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या थीटा। सिमिलरली इसके साथ सेम स्टोरी है, ये और ये 90 पे हैं, तो अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये और ये भी 90 डिग्री पे हैं, तो ये कितना थीटा, क्लियर है यहां तक, ठीक। तो इस केस में डीबी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी के दो कॉम्पोनेंट डीबी कॉस डीबी साइन, कॉस कॉस कैंसल, तो नेट आंसर डीबी साइन थीटा प्लस डीबी साइन थीटा, तो दो एलिमेंट ने 2db sin थीटा, चार एलिमेंट ने 4db sin थीटा, छह एलिमेंट ने 6db sin थीटा, एक एलिमेंट ने db sin थीटा, हर कोई एलिमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ db sin थीटा। तो अगर टोटल बी निकालना है तो एक एलिमेंट को इंटीग्रेट करो, टोटल बी आ जाएगा, तो रिंग के ऊपर एक एलिमेंट के का कंट्रीब्यूशन क्या है db sin थीटा, क्योंकि cos cos तो कैंसिल है, db की वैल्यू ऊपर से निकाल लो, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, sin 91 है, तो म्यू नॉट बाय 4πi dl अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये देखो ये पुट कर दिया, इनटू साइन थीटा, और इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r लेंथ है, रिंग की लेंथ क्या है 2πR,
तो इसकी इंटीग्रेशन आपको 2 पाई आर देगी, और इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या है, कैपिटल आर अपॉन दिस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ पर साइन थीटा की जगह पुट कर दें, ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3/2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ रिंग, इसकी जगह ए, फॉर्मूला बुकलेट में प्लीज ये नोट कर लें, ये नोट कर लें फॉर्मूला कि अगर कोई रिंग है, रिंग का रेडियस अगर कैपिटल आर है, इसका एक्सिस स्मॉल आर है, इसमें करंट आई है, इस रिंग का एरिया ए है, डायग्राम बना लेना, रिंग का एरिया ए है, तो बी का फॉर्मूला एक्सिस के ऊपर ये नोट कर लें प्लीज, ये नोट करें, डायग्राम ये बना ले बस रेफरेंस के लिए, पूरा डायग्राम क्या बनाना, बस रेफरेंस के लिए अपने कि एक्सिस के ऊपर बी का क्या फॉर्मूला होता है बस। तो इसमें ये मत लिखना, ये मैं बाद में करवाऊंगा, करंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी हमने किया नहीं, इसको मत देखना। ये जरूर देखना कि अगर सपोज करो स्मॉल आर जीरो हो जाए, स्मॉल आर जीरो समझते हो, स्मॉल आर जीरो का मतलब ये पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पे, तो रिंग का सेंटर आ गया, तो रिंग के सेंटर पे जब आप इस फॉर्मूले में स्मॉल आर को जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल आर क्यूब, तो आपके पास ये कैंसल होने के बाद ये आंसर आएगा। तो लिख लें रिंग के सेंटर पे, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें, दिस इज द फॉर्मूला कि अगर रिंग के सेंटर पे बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4/2 πI/R, कैपिटल आर रेडियस ऑफ रिंग। तो ये पॉइंट क्लियर है, इस एग्जाम्पल में रिंग हमने एक लूप की ली बस, अगर दो लूप्स होंगी याद रखना मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, सिंगल रिंग भी बी कंट्रीब्यूट करेगी, दूसरी रिंग भी बी कंट्रीब्यूट करेगी, तो 2B, तीन रिंग्स होंगी तो 3B, एन नंबर ऑफ रिंग्स यानी एन टर्न्स होंगे तो NB, तो रिजल्ट एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर हम अपनी वापस शीट पे आए तो मैंने जो शॉर्टकट लिखा हुआ है, ताकि ये देखो सेम डायग्राम है, इसके अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि रिंग के एक्सिस के ऊपर ये फॉर्मूला, और अगर एन टर्न्स हैं तो ये फॉर्मूला, सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर ये फॉर्मूला, रेडियस ऑफ रिंग मैंने इसमें ए ली हुई है तो मैंने अपना आंसर एक ही फॉर्म में लिया हुआ है, और अगर एन टर्न्स हैं तो ये फॉर्मूला, अगर रिंग रिंग के सेंटर पे है तो बी हमेशा मैक्सिमम होता है,
दूर जाएंगे बी कम होगा, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। तो ग्राफ की वेरिएशन याद रखनी है, सेंटर के ऊपर बी मैक्स है और दूर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। ग्राफ की वेरिएशन याद रखनी है।